स्थानीय वेदांत आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, जिसमें डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी के श्रीमुख से कथा का आयोजन किया जा रहा। वेदांत आश्रम गंजबासौदा में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव में परम पूज्य श्रीमद् जगत गुरु अनंतानंद स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज ने बताया कि यह सुर दुर्लभ मानव जीवन सांसारिक विषय भोगों में नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि सतगुरु के उपदेशों पर चलते हुए लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों को सुधारने के लिए है। आपने बताया कि गुरु दत्तात्रेय ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए 24 गुरु किए थे और संसार की नश्वरता को देखते हुए उन्होंने ईश्वर के भजन को ही श्रेष्ठ समझा था। आपने कहा कि गुरु दीक्षा ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना तथा अपने इष्ट देव के श्रेष्ठ आचरण को अपने जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक है। वेदांती जी महाराज ने बताया कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति गुरु की सेवा करने से ही हो सकती है। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। केवल एक जल ही है, जल ही तरंग है और जल ही गुरुदा और बहुत कुछ सुनने से भी तुम्हें कुछ ज्ञान लगने वाला नहीं। बिना प्रवचन करना भी समाज का प्रतीक है कि पूरी तरह से गुरुदा नहीं, क्योंकि जो भी शुद्ध पाएगा वो शरीर को तो प्रभावित करेगा लेकिन तुम्हारी आत्मा ही Thank you.